हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेकअप की शुरुआत कैसे करते हैं। फॉर बिगिनर्स के लिए ज़्यादा है आज का वीडियो, जो कि बिल्कुल भी जिनको भी मेकअप नहीं आता है और मेकअप करते से टाइम अक्सर उन लोगों का फेस केकी हो जाता है या फिर ब्लैक पड़ जाता है, उनके लिए आज का वीडियो है। तो मेकअप की शुरुआत आपको हमेशा सीटीएम से करनी है। सीटीएम के बारे में मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ में अपने बताई है, बट अभी मैं मेकअप की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आज मेकअप का पार्ट वन है, जिसमें कि मैं मेकअप की शुरुआत कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपने फेस को क्लिंजिंग मिल्क से वॉश कर लीजिए। क्लिंजिंग मिल्क से वॉश करने के बाद, क्लिंजिंग मिल्क अगर नहीं भी है तो आपने अगर फेस वॉश किया है तो चलेगा, तो आपने फेस वॉश से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको टोनर लगाना है। टोनर के लिए आप कोई भी अच्छी कंपनी का टोनर ले सकते हो। अगर आपके पास टोनर नहीं है, गुलाब जल है, तो आप ये गुलाब जल भी अपना टोनर की जगह पे यूज कर सकते हो। टोनर अप्लाई करने के बाद से आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब आपका टोनर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, इसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होगा मॉइस्चराइजर का। फर्स्ट स्टेप तो आपका क्लिंजिंग का है। सीटीएम मतलब सी मतलब क्लिंजिंग मिल्क, टी मतलब टोनिंग एंड एम मतलब मॉइस्चराइजिंग। फिर आपको मॉइस्चराइजिंग लगाना है। मॉइस्चराइजिंग मेकअप का बहुत ही मेन पार्ट है। मॉइस्चराइजर लगाने से आपका जो मेकअप होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है और अच्छे से मतलब ब्लेंड भी होता है। तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, वो भी मॉइस्चराइजर का काम करेगा और आपके मेकअप को लंबे टाइम तक टिकाए रहेगा। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं इतना सा अपना ये आयुर का मसाज क्रीम है विद एलोवेरा एंड विटामिन ई का इफेक्ट है इसमें, मतलब इस पर लिखा हुआ है ऐसा, इसको मैं इतना सा ले ले रही हूँ और पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ये आपका इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मसाज क्रीम मॉइस्चराइजर स्किन पर लगाना मेकअप करने से पहले। आप जितना प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो उतना आपको गर्दन पे भी अप्लाई करना है, नहीं तो फेस और गर्दन में आपको अंतर दिखने लग जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया। अभी मैं इतना करने के बाद से आपको अप्लाई करना है प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे हुड्डा ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, आप कोई भी कंपनी का प्राइमर ले सकते हो, बट हुड्डा ब्यूटी और लैक्मे ये मैंने यूज़ की हुई है, स्विस ब्यूटी, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और ये अच्छे से अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मतलब कम प्राइस में आपको अच्छे प्रोडक्ट लेने हैं तो स्विस ब्यूटी, हुड्डा ब्यूटी ये सारी अच्छी हैं। लैक्मे थोड़ा सा कॉस्टली मतलब महंगा हो जाएगा, लेकिन लैक्मे का भी बहुत अच्छा है। बहुत लॉन्ग टाइम से लैक्मे का यूज़ किया है मैंने प्रोडक्ट और लैक्मे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। मुझे बस लैक्मे का काजल नहीं पसंद आता है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है लैक्मे का। तो मैंने इतना सा प्राइमर लिया है, इसको मैं अपने फेस पे जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स होते हैं वहाँ वहाँ अप्लाई करोगे। मेरी स्किन तो ड्राई है तो मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसको हो वो जहाँ पे ओपन पोर्स है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर दोगे। तो प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब आप मेकअप कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा मेकअप का आईब्रो को फिल करना। आईब्रो फिल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जेल आईलाइनर, और जेल आईलाइनर नहीं है तो आप जो आई शेडो पैलेट में ब्लैक कलर का आई शेडो आता है वो अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होता है कि नेचुरल लुक आता है और भी पेंसिल से अप्लाई करने पे थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग को जिसमें ईजी हो आप उस चीज़ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जेल आईलाइनर ले लिया है। ओके, इसके लिए आप पतला सा ब्रश लोगे, इसके साथ दिया होता है, आप जेल आईलाइनर खरीदोगे तो उसमें ब्रश आपको मिल जाएगा। ओके, ये मैंने हुड्डा ब्यूटी का मेकअप ब्रश भी मंगाया है और बहुत अच्छे हैं इसमें सारे ब्रश। तो मैं ये वाला आईब्रो को फिल करने के लिए ये वाला ब्रश ले रही हूँ, कुछ इस तरीके का है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। आईब्रो फिल करने के लिए सबसे पहले आप नीचे से अपनी आईब्रोज को अच्छे से शेप दोगे। इसके बाद आप ऊपर से
आईब्रो फील करते टाइम ये वाली चीज़ आपको ऐसे लेके नहीं जानी, ऊपर की तरफ नहीं ले जानी है, स्ट्रेट लेके जानी है ऊपर का। तो आप देख सकते हो मेरी आईब्रो अच्छे से फील हो गई है। दूसरे वाले आईब्रो को भी सेम इसी तरीके से आपको फील कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने अपने आईब्रोज को फील कर लिया है। इसके बाद आपको अपने मेकअप के इसके बाद आपको मेकअप में ये ध्यान देना है कि स्किन पे डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल या फिर कोई भी डार्क चीज़ या फिर स्किन इवन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना है। मतलब स्किन का कलर एक जैसा नहीं है तो आपको ध्यान देना है। तो जहाँ पे भी आपका स्किन डार्क है थोड़ा सा, मेरा जैसे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, मैंने कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल भी मतलब बढ़ाई नहीं है, फिल्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया ताकि आपको नेचुरल लुक मेरा दिखे। तो मैंने यहाँ पे मार्श का कॉन्टोर पैलेट लिया है। इसका ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है मार्श का। अगर आप कॉन्टोर पैलेट लेना चाहते हो तो इसमें मतलब अच्छा है ये, आप ले सकते हो। इसके अलावा हुड्डा ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है। इसमें इस तरीके की शेड्स मिल जाएंगी आपको। आप ध्यान दीजिएगा कि ऑरेंज शेड वाली ज़्यादा अच्छी रहती है। ऑरेंज शेड वाली मेरे पास थी, कहाँ पे है। अगर ऑरेंज शेड का ना मिले तो इसमें आप देखिए कौन सा सबसे डार्क है ऑरेंज शेड में, तो ये वाला कलर थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज है, तो इसको आप अपने डार्क स्पॉट्स जहाँ भी हैं उस पर अप्लाई कर लोगे। ऑरेंज ग्रीन, जैसे आपका बहुत फेयर कलर है तो आप ऑरेंज सा यूज कर सकते हो, डार्क कलर है तो आप थोड़ा ग्रीन यूज कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं ब्लेंड करने के लिए अपनी फिंगर टिप से ही कर ले रही हूँ। आप ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर, कोई भी चीज़ रख सकते हो। ये तो हो गया आपका जो भी आईज के आसपास का जो डार्कनेस है वो हमारा इससे हाइड हो गया। ओके, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक डार्क स्पॉट है, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए लगाते ही अच्छे से हाइड हो गया मेरा डार्क स्पॉट। यहाँ पे भी आपको डार्कनेस सा दिखे वहाँ पे आप ये ऑरेंज शेड अप्लाई कर दोगे फेस पे। कॉन्टोर आपको येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज शेड में मिलता है, सॉरी कॉन्टोर नहीं। कॉन्टोर पैलेट का मतलब है इसमें आपको मिल जाएगा कलर करेक्टर और कॉन्टोर के लिए जो भी जो आपकी स्किन से डार्क शेड हो, जैसे कि ये वाला शेड है ये आप कॉन्टोर पे यूज कर सकते हो बहुत ज़्यादा फेयर कलर के लिए। ओके, और ये जो थोड़ा सा आपको येलो में ऑरेंज सा दिख रहा है ये आप अपने कलर करेक्टर की जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे कि स्किन पे कहीं डार्क स्पॉट्स है जैसे मैंने अभी यूज किया। तो ये हमारा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ओके, देन इसके बाद से आप अपने स्किन टोन से मैच होता हुआ या फिर एक शेड लाइट कलर, जैसे कि मेरी स्किन से ये वाला कलर थोड़ा सा लाइट है ये वाला, तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हो मेरी स्किन से एक शेड लाइट है ये, मतलब ये वाला शेड आप बहुत ज़्यादा फेयर कलर के लोगों पे अप्लाई करोगे। इसके अलावा जो आपका स्किन शेड हो आप अपने स्किन से मैच करके देख लीजिए और वो आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे। देखिए गर्दन पे मैंने जितना मैंने फेस पे अप्लाई किया है उतना आपको गर्दन पे भी अप्लाई करना है और अब इसके बाद आप ब्लेंड करोगे। ये सिर्फ मेकअप का पार्ट वन है, अब इसमें मैंने आपको स्किन का बेस बनाने के लिए बताया है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद आपको फेस पाउडर से, जैसे मैंने यहाँ पे लैक्मे 925 का फेस पाउडर लिया है, अपने स्किन शेड का ही लेना है, जो मैंने स्किन जो शेड मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया कंसीलर का वही वाला शेड मेरा यहाँ पे। कॉम्पैक्ट पाउडर का भी है,
आप चाहो तो फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने अभी यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है क्योंकि इसी से मेरा स्किन का बेस बन चुका है और अच्छे से कलर आ चुका है। जो भी डार्क स्पॉट्स था, डार्कनेस था, वो सारा हाइड हो चुका है। अभी मैं अपना फेस पाउडर से अच्छे से फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। तो ये हो गया हमारा स्किन का बेस जो होता है वो रेडी कर लिया मैंने। आपको मेकअप स्टार्ट कैसे करना है और स्किन का बेस कैसे बनाना है इतना मैंने सिर्फ आज बताया है। इसके बाद आप सिंपली अपना लाइनर लिपस्टिक लगा लो। इसके बाद ब्लश कैसे करते हैं, कॉन्ट्रोल कैसे करते हैं, आई मेकअप सब कुछ लेके आने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आई होप आज की वीडियो देख आपको काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर मेकअप सीखना है तो बिगिनर्स के लिए खास मैंने बताया है। तो आगे इसके बाद से मैं और भी लेके आने वाली हूँ वीडियोज़ मेकअप के ऊपर। तो आज है मेकअप पार्ट वन, मेकअप क्लास का पार्ट वन है आज फॉर बिगिनर्स के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करके उसको ग्रे में बदल दीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और भरपूर लाइक कीजिएगा। मेरा जो ड्रेस डिजाइनर प्रीति भाई चैनल है उस पर भी जाइए, और कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग का काम सीखना हो अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।